नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस दिन आपको बता दें, आज जो है इस कड़ी में आज खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के कई स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिसमें कई स्टूडेंट्स को जो है सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। किस चीज़ के प्लेयर हैं? मैं फेंसिंग का प्लेयर हूँ। कैसा लग रहा है आपको आज आपको सम्मानित किया गया? मैं बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है, बिहार सरकार आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा पा रही है जिससे आप और बेहतर करें? हाँ, सब कुछ प्रोवाइड तो हो रहा है। क्या लग रहा है कि जो खेल व्यवस्था है इसमें और किस चीज़ का परिवर्तन जरूरी है ताकि बिहार के बच्चे जो है वो आगे बढ़ सकें? कोचेस की जरूरत है और इक्विपमेंट्स की ज़्यादा जरूरत है। हौसला होना चाहिए बच्चों के अंदर। अच्छा, आप जो पर्सनली आप जब मतलब फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार को फुलफिल करनी चाहिए? मेन मैम, कोचेस की ज़्यादा ज़रूरत है हमें और पार्टनर्स की, क्योंकि अपडेट जल्दी नहीं होते। अच्छा, आप एक बिहारी, आपको क्या लगता है कि बिहार में रहकर स्पोर्ट्स में जो है आगे करियर है? हाँ मैम, करियर है, है। कैसा लग रहा है आज आपको सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष राज हुआ। किस चीज़ के प्लेयर है? फेंसिंग के प्लेयर हूँ। क्या लग रहा है आपको कि बिहार सरकार को और ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को कि बच्चे और ग्रो करें? मैम, जैसे मुझे अभी कुछ टाइम पहले फॉरेन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, फॉरेन ट्रेनिंग जैसे पेरिस में था, उसके बाद इटली में ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला कि मतलब फॉरेन ट्रेनिंग में मुझे इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, तो इसके लिए अच्छा है। क्या लगता है बिहार में रहकर स्पोर्ट्स में करियर है? हाँ, पहले से काफी बेटर हो चुका है कि हाँ अभी करियर तो कह सकते हैं कि हाँ ऑब्वियसली है करियर। आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आपको क्या लगता है किस चीज़ की ज़्यादा कमी है? सर, एज इंडिविजुअल तो मैं मुझे ऐसे कहता हूँ कि जैसे जितने ज़्यादा हमें पार्टनर्स मिले उतना ज़्यादा हमारे लिए इवेंट के लिए अच्छा होता है, हमारा इंडिविजुअल इवेंट है प्लस टीम इवेंट दोनों है, तो इंडिविजुअल में जैसे ज़्यादा जितना पार्टनर मिलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, तो बस यही चीज़ है मैम। और केंद्र सरकार इसमें कुछ सहयोग कर रही है, आपको क्या लगता है? हम केंद्र सरकार तो ऐसे, मैं खुद ही इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, तो केंद्र सरकार यही जॉब है हमारा, तो हम यही जॉब हेल्प कर रहे हैं हमारे लिए। किस चीज़ के प्लेयर है? मैं भी फेंसिंग का ही प्लेयर हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको सम्मानित किया गया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। आपके हिसाब से क्या ऐसा मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में ताकि बच्चे और ग्रो करें इस फील्ड में? आज के डेट में फेंसिंग में मतलब बिहार में तो कोच नहीं है, मतलब डीजी सर ने कोच मंगवाया लेकिन वो कभी प्रैक्टिस होता है कभी नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाता है यहाँ के बच्चों की। रेगुलर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पे मतलब 7 दिन प्रैक्टिस होता है, फिर वो हॉल किसी और को दे दिया जाता है, या फिर बैडमिंटन को या फिर कोई दूसरा टूर्नामेंट होता है, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब हॉल की कमी है, आप लोग को जगह नहीं मिल पाता है कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें? हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? हाँ, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि फेंसिंग बहुत पीछे है अभी बिहार का। बिहार इस चीज़ में पीछे? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार से और आगे क्या कुछ उम्मीद है? केंद्रीय सरकार अभी मेहनत तो कर रहा है, मतलब बिहार में खेलो इंडिया का सेंटर बना रहा है पटना में भी, बट अभी हॉल का कमी, उसके लिए प्रोग्रेस में है अभी। कब से खेल रहे हैं आप? मैं 10 साल से खेल रहा हूँ। उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी 23। तो क्या लग रहा है जब आप मतलब खेलते हैं तो आप जब फील्ड में जाते हैं तो क्या लगता है किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? ज़रूरत तो सारी पूरी हो रही है, फैसिलिटी सब मिल रही है, बस वही थोड़ा कभी कभी बारिश वारिश का मौसम में आउटडोर स्टेडियम में पानी भर जाता तो थोड़ी दिक्कत होती है 1-2 महीने। इक्विपमेंट्स पूरे? हाँ, इक्विपमेंट्स पूरे हैं, सब चीज़ पूरा, कोच वोच सब है। कोच वोच सब है। कहाँ पर सीखते हैं आप? हम तो गुलमोहर पार्क में सीखते हैं, कंकड़बाग में। और अगर जब हमारा नेशनल रहता है तो फिर हम इंडोर पाटलिपुत्रा में प्रैक्टिस करते हैं। खेल के अलावा क्या करते हैं आप? खेल के अलावा बस नॉर्मली पढ़ाई। आपकी फैमिली कंकड़बाग में रहती है? हाँ। तो मतलब आगे क्या सोचा है, आगे आगे क्या करना है? आगे सोचा है कि मेहनत करते रहेंगे जहाँ तक जाए, अभी स्पोर्ट्स में ही जाना है। हाँ, स्पोर्ट्स में ही जाना है। बिहार में स्पोर्ट्स में जाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्या लगता है आपको कि बिहार में करियर है स्पोर्ट्स को लेकर? हाँ, करियर ही करियर है अब तो, पहले तो थोड़ा था कि नहीं था, थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब तो सर लोग भी इतना बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब तो पूरा यकीन है कि अब पूरा इसमें है। क्या लगता है जगहों को देखकर, क्या लगता है कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे रही है, खेल व्यवस्था पर ध्यान दे रही है सरकार? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो 20 साल में नहीं हुआ वो ये 1-2 साल में सरकार ने करके दिखा दिया है।
ये एक दो साल में हाल फिलहाल में हुआ है, इससे पहले नहीं था? था लेकिन इतना नहीं था जितना अभी हो गया। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको, आप इस फील्ड में रहेंगे तो आगे करियर अच्छा रहेगा या करियर बनाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ रह के भी करियर बन जाएगा। पहले हम बाहर जाते थे, मैं बरेली में ही प्रैक्टिस करता था वहाँ साइंस सेंटर में, लेकिन अब तो यहाँ भी अच्छी प्रैक्टिस होने लगी, यहाँ भी बहुत बच्चे आने लगे और यहाँ भी कोच वोच सब अच्छे सिखा रहे, सुबह शाम प्रैक्टिस होती है हमारी, सही है मतलब यहाँ पे। तो ये है हमारे देश के भविष्य, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पिछले कई सालों से जो है ये खेल व्यवस्था खराब थी, लेकिन एक दो साल पहले खेल व्यवस्था को ठीक कर लिया गया है और इसी कड़ी में इनसे बातचीत की हमने। उन्होंने काफ़ी सुधार की बात बताई है कि खेल व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुई है। और अगर आप भी स्पोर्ट्स में हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या बिहार में खेल व्यवस्था वाकई सुधर गई है। आप किस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।